Hello everyone, hi, it's me Gaurav in front of you right now this evening. Again, as I told you, I'll be back. Okay, today's topic, we actually gonna discuss about our personality is our weapon. So what do you think? What is called personality? Wearing good goggles, good clothes, good jacket, good pant, good shirt, or whatever you really think about. So let's talk about what is called actually personality. And today we're going to discuss about what is our technical solution for develop your personality. You know, according to survey, almost 90% kids, adults, youngster, they are actually facing the problem of speaking, the problem of how to portray their personality. So today, actually, I am going to tell you our technical solution, our baste. As I just share my poster, what is called baste. So I'm going to define here what is called baste, and trust me, after this technical solution, this solution has been meant by me only. After this solution, aap kisi bhi field mein ho, you want to become an IAS officer, you want to become an engineer, doctor, corporate world, actor, magician or musician, whatever, aapko ye baste kaam aane wala hai. So let's talk about and have a look over here. Okay, now what is called baste? This is B. B stands for body, right? A stands for an action. S stands for space. T stands for timing. And E, it's for energy. And last E, this is really, really important. What is called E? It is expressions. Okay, now let's talk about B, A, S, T, E, and one more E, and really, really important. Mere market pe mat jayega, thoda sa down hai. Okay, B stands for body. आप कभी देखते हैं, जिस फील्ड में किसी भी तरीके से जा रहे हो, आपको समझना क्या है कि यहां मुझे अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट कैसे करना है. मान लीजिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपका बॉडी कितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप उस लेवल पे बात करेंगे. मान लीजिए आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, तो आपका बॉडी कैसा होना चाहिए. मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो आपका उस टाइम पे बॉडी कैसा होना चाहिए. मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका बॉडी कैसे होना चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है. सो लेट्स टॉक अबाउट एक्शन. विदाउट एक्शन तो आप इतना समझ लीजिए हम सोते भी नहीं हैं. जब आप सो रहे होते हैं रात को, आपकी बॉडी में कोई ना कोई एक्शन मूवमेंट हो रही होती है. सो व्हाइल आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग थ्रू माय हैंड्स. जब भी आप किसी से बात करेंगे, यू नीड टू यूज योर एक्शन. आपके हैंड्स आपके हर चीज को पोर्ट्रे करते हैं. आपने कभी महसूस किया है, कोई भी एथलेटिक जो भागता है, एथलीट जब कभी भागेगा, वो अपने हैंड्स के थ्रू भागता है, वो कभी भी अपने लेग्स के थ्रू नहीं भागता. जितने जोर से जितनी फास्ट उसके हैंड्स चलते हैं, उसके हिसाब से ही उसकी बॉडी चलती है. स्पेस कैन बी यूज इन टू वेज. जब मैं माइक पे बोल रहा हूं या फिर मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो मैं उस एरिया को यूज करूंगा. मुझे सबकी आंखों में देखकर बात करनी है कि यस, एवरीवन इज लिसनिंग मी एक्चुअली. अगर वो मेरे को नहीं सुन रहा है, तो मेरे बोलने का फायदा नहीं है. एंड इट कैन बी यूज इन टू वेज. मान लीजिए आप पोडियम पे खड़े हैं, तो आप पोडियम पे खड़े होकर क्या बोलेंगे, जैसे मोदी जी, मेरे भाइयों और बहनों. इट इज काइंड ऑफ हिज गिविंग हिज एक्शन विद स्पेस. हर एक बंदे की आंखों में वो घूर रहे होते हैं, हर किसी को देख रहे होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअली यूजिंग ऑफ स्पेस. नाउ टी, व्हेन ऑल दीज थ्री पॉइंट्स कंबाइंड टुगेदर, इट मेक्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल टाइमिंग. और जब ये टाइमिंग स्ट्रांग आता है ना, आप कॉन्फिडेंट बन जाते हैं. राइट, आप कॉन्फिडेंट बन जाते हैं. एंड दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, अ वेपन ऑफ योर पर्सनैलिटी. नाउ ई, एनर्जी. विदाउट एनर्जी तो हम कोई भी बात ही नहीं करते हैं. आपके अंदर अगर कोई एनर्जी है, तो कहते हैं जैसे मान लीजिए रणवीर सिंह, यार क्या एनर्जी है उसके अंदर, हम हमेशा उसके बारे में बात करते हैं. क्यों बात करते हैं? बिकॉज ही प्रोड्यूसेस एक्चुअली दैट काइंड ऑफ एनर्जी. और आपकी एनर्जी हमेशा दूसरे बंदे को अट्रैक्ट करेगी. तो जब भी आप किसी से बात करें, आपकी बॉडी में, आपकी आंखों में, आपके शरीर में, हर तरीके से एनर्जी भरपूर फुल ऑफ होनी चाहिए. ओके, नाउ द लास्ट थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशंस. आप हंसेंगे तो एक्सप्रेशन देंगे, रोएंगे तब भी एक्सप्रेशन देंगे, कोई बात करेंगे तब भी कोई एक्सप्रेशन देंगे.
अपनी क्रियोसिटी दिखाएंगे तब भी एक्सप्रेशन देंगे, तो लाइफ के हर सिंगल पॉइंट में एक्सप्रेशन तो आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये सारे पॉइंट्स धीरे धीरे यूज करना है। और आप देखिएगा, जब ये पर्सनैलिटी की बात हम करने पे आएंगे ना, तो आपसे लोग अपने आप बात करेंगे, यार बॉस तुझ में कुछ चेंज है यार, इस लड़की में कोई बात है, इस लड़के में वो कोई बात है, उसकी पर्सनैलिटी में वो कोई बात है। होता क्या है, हम लोग पता ही नहीं होता, वी आर नॉट अवेयर ऑफ। हम सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस, बाहर मार्केट में क्लासेस ली जाएंगी, ऐसा होएगा नहीं। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट यूज दिस टेक्निकल फार्मूला, बी बॉडी, ए एक्शन, एस स्पेस, टी टाइमिंग, पी एनर्जी, एंड मेजर ई इज एक्सप्रेशंस। और फिर देखिए, प्रधानमंत्री भी सामने खड़ा होगा ना, यू विल बी एबल टू स्पीक। एनीबॉडी, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक, यू विल बी एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल सॉल्यूशन। सो व्हाट आई रियली वांट यू टू यूज दिस फर्स्ट थिंग, एंड एनी काइंड ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू नीड मी, यू जस्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम जस्ट शेयरिंग माई नंबर एज वेल, हाउ वी गोना यूज दिस फर्स्ट थिंग। ट्रस्ट मी, आज एक बार टेक्निकल सॉल्यूशन यूज करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम आप दूसरों को बता रहे होंगे, एंड यू विल फील चेंज इन योर बॉडी लैंग्वेज। Use this formula every time. So this is weapon of your personality. So you're going to use it. Actually, you're going to use it. Speak yes. Say yes. Okay. Thank you so much. Take care. Bye-bye. It's me from Graphic Entertainment, Gaurav Kayatt, this evening, 7th of April 2019. And I shared this formula, technical solution, Baste. And you want to use it by the next time with everyone and share it. Thank you so much. Take care and bye-bye.